आज हम जिस देश की आपको सैर कराने जा रहे हैं उसे कहा जाता है उजालों का देश, क्योंकि आपको यहाँ आधी रात में भी सूर्य की रोशनी दिखाई दे सकती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर ठंड के मौसम में भी कई लोग बर्फीले पानी से बस इसलिए नहाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से गुड लक बना रहता है। यहाँ आपको कुदरत की ऐसी करिश्माएं दिखाई देगी जो कहीं और नहीं है। कहा जाता है कि इस देश के लोग बहुत ही शांत और इमोशनल होते हैं। इसी देश में ही बनाया गया है दुनिया का सबसे लंबा टनल। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं धरती की जन्नत खूबसूरत देश नॉर्वे की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नॉर्वे की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नॉर्वे का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। देश की कुल आबादी है 54 लाख के आसपास और कुल आबादी में से 84% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं सिर्फ 16% लोग गांव में। नॉर्वे एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी इनकी गिनती सबसे अमीर देशों में होती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में नॉर्वे को यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। जब भी दुनिया के खुशहाल देशों की होती है बात तो उसमें नॉर्वे का नाम भी शामिल होता है। दुनिया के सबसे शांत नेचर के लोग नॉर्वे देश के होते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत कम गुस्सा आता है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सोशल नहीं हैं और लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो कभी भी दूसरों के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाते जब तक कि उनसे कोई राय न मांगे। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में। देश की बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और डेनमार्क से मिलती है। अच्छी बात यह है कि इस देश का विवाद आज तक कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क से नहीं रहा है। वजह यह है कि यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, न कि किसी और चीज पर। छोटा देश होने के बावजूद इसने बहुत तरक्की की है। नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज है नॉर्वेगियन, लेकिन ये भी दो तरह की है। मतलब लैंग्वेज एक ही है लेकिन बोली अलग अलग तरीके से जाती है। एक तरीके को कहते हैं बोकमाल और दूसरे को कहते हैं नाइनोस्क। यहाँ पर जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें लैंग्वेज की परेशानी होती है क्योंकि इस देश में कम ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्वे देश के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। 2018 में की गई एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की लिटरेसी रेट 99% है। लोग यहाँ ऑफ टाइम में सिर्फ किताब पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं यहाँ के लोग। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको हर शहर में कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरी दिख जाएंगे। नॉर्वे के उत्तरी भाग में कई महीनों से लेकर जुलाई महीने तक लगातार 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता। दरअसल ये देश नॉर्थ पोल के बहुत नजदीक है जिस कारण पूरी सर्दियों में यहाँ अंधेरा ही रहता है और बाकी सारा उजाला यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और 40 मिनट बाद फिर उग जाता है। मतलब यहाँ लोगों को सूरज की रोशनी में ही सोना पड़ता है। नॉर्वे का एक कानून जो कि बहुत अलग है, इस देश में अगर आप कुत्ते को पालते हैं तो आपको ये बात हमेशा जहन में रखनी होगी कि आप अपने कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते। अगर आपको बहुत जरूरी काम हो गया तो वैसे मैं कुछ शर्तों के साथ अपने कुत्तों को बांध कर रख सकते हैं। यहाँ के नियम के हिसाब से अगर आपने अपने कुत्तों को परेशान किया तो समझिए कि आपकी खैर नहीं। यहाँ पर जानवर और इंसान सब बराबर हैं। इस देश में गलती से भी अगर किसी ने किसी जानवर को पत्थर मार दिया तो समझिए कि उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। नॉर्वे की सजा देने की स्टाइल भी अलग है। यहाँ अगर कोई कत्ल कर दे तो उसे फांसी नहीं होगी, न ही उम्र कैद। यहाँ पर सबसे बड़ी सजा 21 साल की कैद है। जैसे ही 21 साल पूरे होते ही कैदी रिहा हो जाते हैं। हालांकि 21 सालों में कैदी को पूरी तरह सुधारा जाता है। देश की राजधानी ओस्लो के तट से करीब 75 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर बसता है प्रिजन है। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ अपराधियों के लिए ये आइलैंड एक छुट्टी मनाने की जगह है। इस जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट होती है जो वो करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्वे सरकार का कहना है कि अपराध सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही होना चाहिए। नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब आप सर्दी के मौसम में बर्फीले पानी से नहाते हैं तो आप हमेशा खुश रहते हैं। आपके लिए और हमारे लिए ये अंधविश्वास है, लेकिन नॉर्वे के लोग मानते हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाने से ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का संचार होता है और इससे आप सालों भर खुश रहते हैं। नॉर्वे के लोगों के बीच में भूत प्रेत को लेकर अलग ही कॉन्सेप्ट है। लोगों का मानना है कि ये नेगेटिव शक्तियाँ हमारे बीच में ही रहती हैं। उनका कहना है कि भूत प्रेत भी हम इंसानों की तरह ही इस दुनिया में रहते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक पकवान मिलेंगे। यहाँ के लोगों के बीच स्वीट खाना बहुत पसंद है। ये यूरोप की कोलकाता है भाई। नॉर्वे का नेशनल फूड है फरिकल, जो कि एक मटर स्टू है। इसे बनाना बहुत ही आसान है।
गोभी और मटन को एक बड़े बर्तन में काली मिर्च, नमक, कुछ सब्जी, गेहूं के आटा का गाढ़ा सॉस के साथ बिछाया जाता है और उसके बाद पानी से ढक दिया जाता है और तब तक उबाला जाता है जब तक मीट सॉफ्ट न हो जाए। इसके साथ एक तरफ आलू भी परोसा जाता है। यहाँ के खाने में नॉनवेज सबसे पसंदीदा खाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पोर्क खूब खाया जाता है। साथ ही नॉर्वे के लोग जमकर वाइन भी पीते हैं। यहाँ लोग अपने हर खाने के साथ वाइन पीते हैं। लोगों के बीच में सबसे ज्यादा रेड वाइन पॉपुलर है। नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां पर एफएम रेडियो पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, ये किसी को नहीं पता, पर 2017 में इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। नॉर्वे में ट्रॉम्सो नाम का एक शहर है और जैसे ही शहर में रात होती है आसमान में बेहद ही आश्चर्यजनक लाइट दिखने लगती है। इन लाइट्स को नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। नॉर्थ नॉर्वे और आर्कटिक सागर के किनारे स्थित इस शहर पर लगभग 6 महीने सूरज नहीं दिखाई देता और बाकी 6 महीने सूरज डूबता नहीं। इस शहर की रात दुनिया में सबसे रंगीन मानी जाती है। यहाँ पर आप शहर की खूबसूरती के साथ साथ कलरफुल लाइट में घूमने का लुत्फ भी ले सकते हैं। नॉर्वे के इस शहर में रंगीन आसमान के इस नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग जुटते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में बना है दुनिया का सबसे बड़ा टनल, जिसकी लंबाई है 15 माइल यानी कि लगभग 25 किलोमीटर। ये टनल लडेल और आयरलैंड को कनेक्ट करता है। इस टनल का अंदर का नजारा बहुत खूबसूरत है। चूंकि इस देश में बहुत हरियाली है, इसीलिए लोगों को और यहाँ की सरकार को ग्रीन लाइफ इम्पोर्टेंस के बारे में पता है। आपको बता दूं कि साल 2008 में अमेज़न के जंगल को बचाने के लिए नॉर्वे की सरकार ने $1 बिलियन दान में दिए थे। चलिए अब बात करते हैं नॉर्वे की उन जगहों की जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं और साथ ही बताएंगे क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको नॉर्वे के सफर पर। नंबर वन इज ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ओस्लो शहर नॉर्वेनियन ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंडस्ट्री और शिपिंग का केंद्र भी है। आप ओस्लो में आर्किसिस फोर्ट्रेस, वाइकिंग शिप म्यूजियम, कार्ल जोहान्स गेट, गुस्ताव विगलैंड स्कल्पचर पार्क, नॉर्थ फोक म्यूजियम, वेस्ट कांटोर वेट, फ्ली मार्केट जैसे कई ऐतिहासिक और खूबसूरत जगह देख सकते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ कमाल की है। यहाँ हर सैटरडे कई यंगस्टर्स आते हैं और रात में पूरी मस्ती करते हैं। नेक्स्ट इज हेल। दोस्तों, नॉर्वे में एक हेल नाम का छोटा सा गांव है जो कि टूरिस्ट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है। आप शायद सोच रहे होंगे कि शहर का नाम आखिर हेल क्यों रखा गया। आपको बता दें कि यहाँ के आसपास के जंगलों से अजीब किस्म की आवाज आती है जो कि काफी डरावनी लगती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींच ले। हेल में नॉर्वे के सबसे छोटे रेलवे स्टेशन जो कि फोटो खिंचवाने के लिए काफी मशहूर है। नेक्स्ट इज बर्गेन एंड द वेस्टर्न जॉर्ड्स। बर्गेन एंड द वेस्टर्न जॉर्ड्स को नॉर्वे का ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत फैशनेबल होते हैं और हमेशा स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। वेस्टर्न जॉर्ड्स के फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। आपको अगर फूलों का शहर देखना है तो इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ आपको रास्ते से लेकर पहाड़ों तक हर जगह फूल ही फूल नजर आएंगे। साथ ही यहाँ नॉर्वे का सबसे बढ़िया खाना मिलता है और इस शहर में आप ही साथ वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। एशिया और यूरोप में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं मस्ती करने के लिए। नेक्स्ट इज द स्टेवेंजर रीजन। चलिए अब आपको दिखाते हैं समंदर के किनारे बना एक बड़ा और बहुत ही खूबसूरत शहर द स्टेवेंजर रीजन। दोस्तों, यहाँ पर आपको जहाज की मदद से कई जगह घूमने का मौका मिलेगा। यहाँ जो भी आते हैं वो रात के नाइट शिप लाइव जरूर देखते हैं। यहाँ पर आपको ओपन शिप्स में सैर करने को मिलेगी। आप यहाँ रात के समय सितारों को देखते हुए मस्ती कर सकते हैं। यहाँ का नजारा आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। दोस्तों, अगर जिन्हें किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करना होता है उनके लिए ये जगह परफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज ट्रॉनहैम। ट्रॉनहैम नॉर्वे का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। वाइकिंग एरा के दौरान ट्रॉनहैम नॉर्वे की राजधानी हुआ करती थी। ट्रॉनहैम को यहाँ के कल्चर, टेक्नोलॉजी, फूड, साइकिलिंग के लिए जाना जाता है। ये शहर सेंट ओलाफ फेस्टिवल जैसे साल भर के उत्सवों का आयोजन करता है और ये देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और चर्च आयोजन है। ट्रॉनहैम का माहौल काफी एनर्जेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल का घर है, लेकिन साथ ही ये शहर नॉर्वे की ऐतिहासिक धरोहर भी है। आप यहाँ के हजार साल पुराना तीर्थ स्थल जैसे 12वीं शताब्दी के सेवरबॉग महल और निड्रोस कैथेड्रल जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ का फार्मर्स मार्केट, शानदार रेस्टोरेंट्स बहुत फेमस है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और नॉर्वे घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपको नॉर्वे घूमने के लिए लगभग 91,538 से 166,946 तक खर्च करने होंगे। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेनियन क्रोनर लगभग 9 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों ये था नॉर्वे, कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में।